नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं। हालांकि इसका इंतजार आपको पिछले एक साल से था। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और डिटेल देने की बात किया था, तो उसके संदर्भ में मैं आपका पूरा डिटेल लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और जो प्रोग्रामर की वैकेंसी है, UPPCO आप इसे बोल सकते हो। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर दोनों का मैं डिटेल इसमें देने वाला हूँ। क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, अर्हता क्या होनी चाहिए, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें बहुत बारीकियां हैं, आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा बहुत कम समय में। परीक्षा पैटर्न पिछली बार क्या था, इस बार क्या हो सकता है, सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन है, और उसके बाद सैलरी, पोस्टिंग और प्रमोशन, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो और कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिए। बहुत बेहतरीन इसका बैच चल चुका है, एक बैच हम लोग दोबारा लॉन्च करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगा। सब कुछ जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बताने की, बट जो नए हैं उन्हें थोड़ा सा बताना पड़ता है। अभी कल एक सूचना ही बच्चों, और इसमें सूचना ये था कि जो निविदा आई है अभी देखो तो टेंडर, अलग अलग वैकेंसीज का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड टेंडर निकाल रहा है। इससे पहले रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी का निकाला, अब उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर का। और मैंने आपसे बहुत पहले बोला था कि कंप्यूटर ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा एक साथ होगी, भले ही वैकेंसी कहीं आगे पीछे आई। अभी नोटिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं आया, लेकिन आप देख लीजिएगा विद इन 2 वीक के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। और सबसे अच्छी बात यह कि पदों की संख्या जो पहले 639 640 बोली जा रही थी, अब ये जो पदों की संख्या हो गई है वो 927 हो गई। इस 927 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की केवल 872 है और 55 पोस्ट प्रोग्रामर ग्रेड 2 की है। तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 तो हालांकि 4600 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे पहुंच जाता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए जो होता है ये 2400 ग्रेड से स्टार्ट होता है। इसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। एक चीज इसमें आप समझिएगा कि ये जो परीक्षा होगी ये हाइब्रिड मोड में होगी। किसमें होगी परीक्षा, हाइब्रिड मोड में होगी। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूं कि हाइब्रिड मोड क्या होता है। यहां पे कहीं लिखा हुआ था, अभी मुझे तो फिलहाल वो शायद मैंने ये लिखा तो हुआ है, हाइब्रिड मोड में ये परीक्षा होगी। तो ये हाइब्रिड मोड भी समझाता हूँ कि क्या है, बहुत सारे लोग इसको गलत गलत अर्थ निकाल रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है इसकी और कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज तो जब आपकी तय हो जाती है कि अब आपकी वैकेंसीज आने वाली है, तो आप लोग सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि भाई हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, फॉर्म भर लेंगे तो तैयारी कर पाएंगे या तैयारी कहाँ से करेंगे, हम जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ साथ तैयारी कहाँ से करेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर कट ऑफ किया जा सकता है और हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये कॉमन है। और सिलेक्शन हो जाने के बाद भी अब हमारा कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई चीज़ फिजिकल या इनमें से कोई दिक्कत हो, हालांकि इसमें फिजिकल नहीं, ये बात आप समझते हुए चलिएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि एलिजिबल कौन है, तो एलिजिबिलिटी के लिए इसमें क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना चाहिए। लिखा है अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता आधारित करना आवश्यक है, कौन कौन सी अर्हता आवश्यक है ये देख लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब कि आपका 12th होना चाहिए। और 12th किसके साथ होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए। बात केमिस्ट्री की नहीं कर रहा है, लेकिन जनरली लोग PCM ही लेते हैं, ठीक है, तो वो PCM अंडरस्टूड हो जाता है, बट फिजिक्स और किसकी मैथ्स की बात कर रहा है, 12th के साथ ये दो विषय होने चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, भारत के साथ एवं, मतलब कि इसके साथ अनिवार्य क्या है, प्लस कंप्यूटर का ओ लेवल का होना चाहिए, DOEC या NELET, या फिर इसने क्या लिख दिया है उसके द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त। जब समकक्ष मान्यता प्राप्त आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है कि बहुत सारी ऐसे डिग्रियाँ हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड किसे किसे समकक्ष मानता है। ये उत्तर प्रदेश UP शासन के द्वारा जारी किया गया था। इसमें तमाम जो DOEC के या 12th के बेसिस पर, DOEC का ओ लेवल के बेसिस पे जो जो समकक्ष है उसमें DOAP के साथ जो डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, डोमा, ADC, एक बार देख लो, मैं इसे डिटेल बता दूंगा, ADCH, ADCP, DCA वाले एलिजिबल होते हैं, ध्यान देना, DCS वाले होते हैं DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, ये सारे आपको ADI, ADP, ADSE इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, PGD, CWD ये भी होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे होते हैं, जैसे यूपी डिस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT होना चाहिए, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन लाओ। आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पे लगातार 1 साल, मतलब 2 सेमेस्टर कॉन्जिक्यूटिव, बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, तो 2 सेमेस्टर कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि एक पहले सेमेस्टर में, एक 8वें सेमेस्टर में या 6वें सेमेस्टर में, तब माने नहीं होगा। अगर 2 सेमेस्टर मतलब एक किसी पर्टिकुलर एक ही साल के अंदर 2 बार लगातार कंप्यूटर का सब विषय पढ़ लेते हो तो आप उसके लिए मान्य हो जाओगे। BSc वाले IT वाले एलिजिबल हैं,
एमसीए वाले एलिजिबल हैं, बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले सारे ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। हालांकि उसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और इसमें डिप्लोमा की बात की है, ठीक है, जबकि ये बीटेक वाले सारे ही, क्योंकि ये ओ लेवल के समकक्ष हो जाता है तो वो एलिजिबल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ए लेवल, बी लेवल, ए लेवल ओ लेवल से बड़ा होता है, बी लेवल सी लेवल कंप्यूटर कोर्स, बीसीए एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय के रूप में कम से कम किसी वर्ष में, तो ये सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं। मतलब अब ओ लेवल का मतलब ये नहीं रहेगा कि केवल जो ओ लेवल जिनके पास है वही कर सकते हैं, आप बहुत सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें फिर या तो आप 52 सप्ताह का आईटीआई कुछ किए हो, या ना कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कूपा से, ये भी आपका हो जाएगा, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी नीले डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से, हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अगर किसी गवर्नमेंट का 1 साल का अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी वो डोएक के समकक्ष, इसके ओ लेवल के समकक्ष ही है। आईटीआई वाला मैंने आपको बता ही दिया, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड नीले से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान 3 वर्षीय डिप्लोमा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण हुई, ये सारे ही हैं। तो पहले, क्योंकि जो लोग ये बता रहे हैं कि उसमें केवल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, ये पहले था जब ये उत्तर प्रदेश का शासनादेश नहीं आया था, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कुछ ऐसी परिशिष्ट नहीं दी थी जिसमें डोएक नीलेट को समकक्ष, कुछ ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका यूपीएसआई एएसआई भर्ती के लिए उसमें समकक्षता दिया गया था। तो ये सारे हैं, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस को ओ लेवल से ऊपर माना तो है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स से माना, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से माना, बीसीए जिसे बोलेंगे, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, ये ध्यान देना। बीबीए नहीं है, बीसीए तो है, एमसीए तो है, लेकिन बीबीए नहीं है, बीएससी आईटी वाले हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए 6 मंथ ड्यूरेशन का होगा तो वो नहीं होगा, जैसे ट्रिपल सी नहीं होगा, लेकिन 1 साल का अगर होगा तो वो होगा। आईटीआई के 52 सप्ताह का ये समकक्ष है, वहां पे भी आपको दिया गया है। उसके बाद देखा जाए एमएससी साइबर लैंड सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल की काफी उच्च डिग्री है, ये भी है। यदि एक कोई भी कोर्स अगर 1 साल का होता है तो वो सारे के सारे इसमें हैं। ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, आप टेलीग्राम की जो लिंक है इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो। बहुत सारे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, कंप्यूटर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पिछला पेपर क्या था, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो वहां एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन एलिजिबल है, एक चीज आप समझ लेना बच्चों कि इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात है, मैक्सिमम लोग एलिजिबल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास केवल ओ लेवल हो वही कर सकते हैं। ओ लेवल के समकक्ष में शासनादेश का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का, दोनों का मिला लिया जाए तो बहुत सारी डिग्रियां इस समय समकक्ष हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उन्हें वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें देखते हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, यही वाला, ये जो खा पॉइंट था, ये इस बार क्या होगा, ये पिछले मैंने जो आपका नोटिफिकेशन था 2017 वाला बैकलॉग वाला, वहां से निकाला है, लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें ये बदलाव होगा, केवल उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त तो कोई अर्हता, ये खा है और ये और में लिखा हुआ था, ठीक है, ओ लेवल नहीं है तो ये और में, या तो ये हो, तो इसमें बहुत सारे, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें बीसीए वाले एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें एमसीए वाले एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे, केवल यही 3 नहीं रहेंगे, इस बात को समझिएगा। आने दीजिए एप्लीकेशन, फिर नोटिफिकेशन, फिर मैं आपको दिखाता हूं। आयु इसमें क्या होनी चाहिए, तो आयु इसमें 18 से लेकर 28 वर्ष तक, बाकी जैसे रिलैक्सेशन होता है कि ओबीसी का 3 साल का, एससी एसटी का 5 साल का, वो सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे, 18 से 28 साल वाले एलिजिबल हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होती है इसमें 200 अंक की अभी तक पूछी जाती है, और 40% इसमें क्या होता है, 40% लाना अनिवार्य होता है। पिछली बार निगेटिव नहीं था, निगेटिव के बारे में अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हो सकता है निगेटिव इस बार भी ना रहे, वो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा नया तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें निगेटिव क्या है, लेकिन 200 अंक है। 200 अंक में चार पार्ट थे, चार पार्ट में अगर बात किया जाए तो एक तो आपका जीएस का पार्ट था, ये आपका रीजनिंग 1 बोल सकते हो, रीजनिंग 1, और एक दूसरा जो पार्ट था ये रीजनिंग 2 पार्ट था। इसके बाद आपका क्या था, कंप्यूटर विशेष पूछा जाएगा, और ये थोड़ा सा अच्छा पूछा जाता है। इससे भी आपके 40 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे भी, इन दोनों से मिला के आपके 40 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 20 इससे और 20 इससे, ये दोनों सेक्शन एक ही होता है, और आपका 80 क्वेश्चन लगभग इससे पूछता है, मतलब टोटल 160। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की किसी भी आप एग्जाम में देखोगे तो 150 से 160 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल एएसआई मात्र ऐसा पेपर था जिसमें 200 पूछा गया था। अच्छा, अगर पैटर्न बदल गया तो हो सकता है 200, वरना ज्यादा केस क्या है कि 160 ही होगा, क्योंकि ये 2017 के पैटर्न पे, तब से 5 साल हो गया, कुछ भी बदलाव संभव है, एएसआई के समतुल्य परीक्षा है, तो हो सकता है ये एएसआई वाला पैटर्न भी रख दे, बट कंप्यूटर उसमें रहेगा, ये बात आप समझते चलना, कंप्यूटर आपको पढ़ना है। फिर भी आपका ये देखा जाए तो टोटल 200 नंबर का था,
मतलब ये 50 नंबर का था, ये भी सेक्शन 50 नंबर का था और ये सेक्शन 100 नंबर का था, 1.25, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का था, ठीक है। अगर आप बाकी में देखते हो तो करीबन 2.5 नंबर का होता है यूपीएसआई एएसआई वाले में, जिसके समकक्ष ये होते हैं। उसके बाद देखा जाए कंप्यूटर टंकण परीक्षा, इसमें दोनों आपके अलाउ होते हैं, दोनों आपकी मांगा होता है, एक आपका क्या हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है, और आपका जो फॉन्ट होता है इंग्लिश के लिए तो कोई भी हो, हिंदी के लिए यूनिक कोड, यानी कि जैसे आपका क्या हो गया मंगल फॉन्ट जो अभी चल रहा है समय, वही आपका यूनिक कोड फॉन्ट होता है, यूनिक कोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से होता है, यानी कि आपका मंगल चल जाएगा, ठीक है। 600 वर्ड आपको अंग्रेजी में पिछली बार दिए गए थे, 500 वर्ड आपको हिंदी में दिए गए थे और 10 मिनट का समय दिया गया था। इसकी टाइपिंग की डिटेल सारी आपको अलग से दे दी जाएगी। एक बार हम सिलेबस पे जल्दी से देख लेते हैं। सिलेबस में मैंने बताया टोटल 4 संभाग होते हैं, जिसमें बीच के 2 संभाग एक ही जैसा होता है, वो रीजनिंग ही होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे पहला संभाग सामान्य अध्ययन, दूसरा संभाग मानसिक सामर्थ्य मतलब मेंटल एबिलिटी, ये भी रीजनिंग ही है। तीसरा जो संभाग है ये भी तार्किक तर्क शक्ति है, ये भी रीजनिंग के ही पार्ट में आएगा। और जो चौथा है वो कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। मैं आपको बस अभी इस वीडियो में इतना बताऊंगा कि जो जीएस है और जो रीजनिंग है ये एग्जैक्टली आपका यूपीएसआई एएसआई के पैटर्न पे आएगा, ठीक है। ये दोनों पेपर आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी पिछली बार क्या थी एजेंसी अलग थी, इस बार एजेंसी अलग होगी। और इस बात को आपको समझना है कि जब जब एजेंसी अलग होती है तो पेपर एज पर सिलेबस बनता है, मतलब आपको तैयारी सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट करना है, इससे बाहर नहीं करना है, इससे बाहर करोगे तो धोखा खाओगे। जब भी एजेंसी बदलती है तो वो सिलेबस को फॉलो करती है, क्योंकि उसको पूरे आरएफक्यू में दिया जाता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाना है, वरना आपको इसके लिए क्या किया जाएगा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो वो जुर्माना नहीं चाहेंगे, वो एज पर सिलेबस बनाएंगे। लेकिन वो हाल ही में हुए पेपर को एक बार जरूर देखेंगे, तो उन पेपर को आप भी देख लीजिएगा। अगर मैं भी वो एजेंसी होता पेपर बनाने वाला तो मैं भी यही करता, सबसे पहले सिलेबस देखता, दोबारा रिसेंट के पेपर देखता कि अन्य एजेंसियां कैसे पेपर बना रही और उनके बिहाफ पे मैं भी पेपर सेट करता। तो वही होने वाला है, इस बात को आप समझते चलिएगा, तैयारी आपको ऐसे करनी थोड़ा सा। बाकी इसमें ये कुछ ऐसे, अगर जीएस वाले में पैटर्न देखोगे तो आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट, सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता, रियो ओलंपिक, वस्तु एवं सेवा कर, ये क्या करते हैं, ये सिलेबस बिल्कुल बदलते नहीं हो, सिलेबस बदलते नहीं है। तो इसमें कुछ पॉइंट क्या होते हैं पुराने होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्वेश्चन बनाना होता है, तो करंट में अगर वो प्रश्न नहीं आता तो उससे स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं। तो इन टॉपिक्स के स्टैटिक को कवर करना अनिवार्य है, जो आपको कोर्स में बताया गया है और आप कोर्स में उससे तैयारी कर सकते हो। रीजनिंग में तो आपका जनरल, पूरा रीजनिंग में कुछ नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ पूछते हैं, ज्यादा आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट होता है। कंप्यूटर वाला देख लो, जो आप ज्यादा देखना चाहते हो, इसमें थोड़ा सा टफ होता है, इसमें आपका लैंग्वेज पूछता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे सी, यूनिक्स हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में आपका जो बेसिक बैकग्राउंड होता है, हिस्ट्री होता है, नंबर सिस्टम होता है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद डीबीएमएस पूछता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एसक्यूएल वगैरह के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीफो फीफो के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेशन, पीसी के सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, या फिर यूजर इंटरफेस हो गया, जीपीयू हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीयूआई हो गया, ये सारी चीज़ें आपका स्टोरेज वगैरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मेमोरी परमानेंट है, कौन सी सेकेंडरी है। वर्क प्लेस प्रोडक्टिव टूल्स, ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक होता है, जिसमें विंडोज, यूनिक्स, यूनिकोड फॉन्ट्स, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स, ये सब थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी कुछ पॉइंट तो आपका क्या होता है, कुछ पॉइंट आपको ऑफिस वाला ही होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में ये कॉमन सा ही पूछता है, थोड़ी सी कुछ चीजें अलग होती हैं, लैन मैन वैन तो पूछता है, थोड़े से आपको प्रोटोकॉल वगैरह इन सब चीजों को एक बार देख लेना होता है, नेटवर्क्स को, जो नए नए नेटवर्क्स आते हैं उन्हें देख लेना होता है। इंटरनेट में जो क्या होता है, इंटरनेट में इनकी वर्किंग विद इंटरनेट, यूजर्स ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल, कॉमर्स एंड ई बैंकिंग एंड ई लर्निंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद ये दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होता है, बूलियन अलजेब्रा वगैरह जैसे के मैप वगैरह होता है, कर्नब मैप होता है, इससे क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं, गेट वगैरह हो गया, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लेते हैं। तो ये आपको बूलियन अलजेब्रा आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरेज हो गया, वही मैं लीफो हिपो बताया ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन सबसे क्वेश्चन आपके अच्छे पूछते हैं, और इन पर कई बार आपको स्टैक अरेंज करने के भी क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने वेब पब्लिशिंग, इसमें यूनिक्स, लिनक्स, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग और इसमें ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ये जावा पुराना भी हो चुका है लेकिन फिर भी हो सकता है इस पे नया कुछ या और भी कुछ चीजें पूछ सकता है। तो ये आपको कंप्यूटर वाले सर आपको अच्छे से बताए हैं, आशीष सर, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगी, आप वहां से देख सकते हो। तो आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिए अपना, कोई भी बच्चा है एलिजिबल है 18 से 28 साल के बीच में है, उसके बाद उसके पास क्या है 12th, और 12th में फिजिक्स और मैथ्स है, केमिस्ट्री नीड नॉट टू नेसेसरी,
लेकिन फिर भी जो बच्चा लेता है वो पीसीएम में लेता है, तो इस कारण से हम उसे पीसीएम ही बोलेंगे। उसके बाद अगर बोला जाए कि आप एलिजिबल हो, आप एज के अंदर आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आसान है लेकिन इसमें कंप्यूटर का सबसे ज्यादा वेटेज है, और इसलिए आपको कंप्यूटर ही सबसे ज्यादा पढ़ना भी है। इसका कोर्स हम लोग पहले भी चला रखे हैं, लेकिन आप चाहो तो अपनी तैयारी वहां से स्टार्ट कर सकते हो, उससे जुड़ सकते हो। एक बार जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम केवल कंप्यूटर का बैच आपके लिए लॉन्च करेंगे, कंप्लीट नहीं। बाकी आपका वही वीओडी बैच ही चलेगा, तो वीओडी बैच की प्राइस ऑलरेडी कम करके लगा दी गई, आप वहां से परचेज करके अपनी तैयारी चालू रखो। क्योंकि भाई देखो 927 पद कम नहीं होते, बहुत ज्यादा पद होते हैं, और लगभग इसमें जो देखा जाए सरकार की तरफ से ही जो एक्सपेक्टेशन है वो 200,000 फॉर्म आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वो एक्सपेक्ट किए हैं, जबकि 200,000 भी नहीं जाएगा, मुश्किल से 1.5 लाख या 1.25 लाख फॉर्म भरा जाएगा। इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा ओ लेवल के कारण समकक्षता ज्यादा हो गई, इसलिए हम सोच सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे कम ही होते हैं, है ना। बाकी बेरोजगारी के समय में इसका एग्जैक्ट डेटा तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, अगर मेरी बातें थोड़ी गलत भी हो गई तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग लूंगा, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में कितने भी फॉर्म पढ़ सकते हैं, इस बात को समझिएगा। तो पहले से अज्यूम मत करिएगा कि सरकार ने 2000 का आंकड़ा बिठाया, 2 लाख का आंकड़ा बिठाया तो 2 लाख ही पड़ेगा, हो सकता है ज्यादा भी पड़ जाए। सैलरीज में क्या होती है, 5200 से 20,200 पे बैंड पे होता है। लेवल इसका, लेवल आपका 4 इस पे होता है, लेवल 4 होता है। इसमें डीए जो आपका होता है, ठीक है, डीए आपका 42% मिलेगा। एचआरए लगभग जो एक्स टाइप की जो सिटीज होती हैं उसमें 2400 मिलता है, ठीक है, वैसे अगर बी वाई टाइप में होगा तो 1200 हो जाएगा। अदर अलाउंसेस मिलता है डिडक्शन, जैसे एनपीएस वगैरह कटने पिटने के बाद नेट अमाउंट जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी वो 37,000 से 38,000 आएगी, जो ग्रॉस सैलरी होगी 39,000 से 40,000 बनेगी, उसमें 2,500 आपका क्या कट जाएगा, एनपीएस कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 37,000 से 38,000 रुपया आपका इन हैंड सैलरी आएगी। तो ये अच्छी खासी सैलरी होती है 2400 ग्रेड पे ये देखा जाए, तो ये जो 2400 है ये ग्रेड पे है, 2400 जो है 2400 आपका ग्रेड पे है, ठीक है, ग्रेड पे आपका 2400 है। और इसके बाद आपका अगर प्रमोशन की बात किया जाए तो ये प्रमोशन वाली वीडियो हालांकि आप अलग से देख सकते हो, जॉब प्रोफाइल की भी वीडियो इसमें है, ट्रेनिंग वर्क क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है। वर्क में बेसिकली आपको 1 लाइन में बता दूं तो वर्क जो होता है ये आपका ऑफिस जॉब है, आप एसी रूम में या बढ़िया, कम से कम ऐसा नहीं कि आपका फील्ड जॉब है, ऑफिस में बैठ के आप क्या करोगे, कंप्यूटर से संबंधित काम करोगे, जैसे क्या होता है EFIR वगैरह होता है, या फिर पोस्टल सर्विसेज होती हैं, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है इनके काम बढ़ते हुए चले जा रहे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, ठीक है। आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी, तो पोस्टिंग आपका होम जनपद तो मिलना मुश्किल होता है, हो सकता है दूसरा या तीसरा जिला आपके निकट में वो आपको मिल जाए। तीसरा आपका जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग तो आपका चलेगा, ट्रेनिंग में आपके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे क्या करता है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कराई जाती है। सैलरी तो मैंने आपको बता दी, बाकी सारी डिटेल आपको इस वाली वीडियो में जिसकी लिंक नीचे लिखी हुई है जॉब प्रोफाइल की, आप वहां से देख सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर का तैयारी सिलेबस डिस्कशन, ये आपने आपको आरसी सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि क्या पॉइंट कैसे पूछा जाता है। तीसरा चीज़ कि आपकी एनालिसिस क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये वीडियो आप देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर का भी वीडियो का लिंक नीचे लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर का सॉल्व कराया गया है, मैं टेलीग्राम पर इसका लिंक डाल भी दूंगा। बाकी अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो बच्चों, तो ये कोर्स है आपका अभी 70% ऑफ पे, इसका प्राइस कम करके, वीओडी बैच अभी या ऑलरेडी चल रहा है, इसमें क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही है, 592 रुपए का बैच है, जीएसटी लगा के आप देखोगे तो 698-699 के पास जाएगा। इसमें सारी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्ड क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, सारे टेस्ट सीरीज है, इसमें डाउट सेशन है, वैलिडिटी एग्जाम है कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसी में आपका प्रोग्रामर भी है, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेहतरीन। और आप जाओगे कहां से करना है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस में जाओ, वहां पे पहले दूसरे नंबर पे आपको इसका बैच लग जाएगा। आप सबसे पहले देख लो कि सारी क्लासेस कितनी विधिवत तरीके से कंप्लीट कराई गई है, और कंप्यूटर आशीष सर खुद ही पढ़ा रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस से एमटेक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। यूपीएसआई एसआई में बच्चों का तो ये भी कहना था कि परीक्षा प्लस वालों का ही टीप लिए, आयोग ने पूरा परीक्षा प्लस का ही टीप के क्वेश्चन दे दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आया है उससे पहले आपको वो कंडक्ट करा दिया जाता है, पहले ही आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि पेपर में आपको सब कुछ जाना पहचाना और दिखा हुआ मिलता है, पढ़ा हुआ मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और स्कोर भी बढ़ता है, आपका सिलेक्शन भी होता है, और इसी कारण से यूपीएसआई में सर्वाधिक सिलेक्शन भी हमारे पास ही है। खैर इस बात को मैं हमेशा बोलता नहीं हूं, क्रेडिट लेने की आदत नहीं है, बट फिर भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, तो ये आप यहां से जुड़ सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए क्या करूंगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको कंप्यूटर के लिए स्पेशल बैच लाया दूंगा। रीजनिंग तो अलग से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है,
आपको जीएस भी अलग से कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये चीज है कि मैं जीएस के कुछ जो नए फॉर्म है उनके प्रैक्टिस करवा दूंगा, रीजनिंग पे भी कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा लाइव सेशन में, और इसके साथ ही कंप्यूटर को एक डिटेल्ड क्लास में आपको फिर से दे दूंगा, तो जो बच्चे कंप्यूटर केवल पढ़ना चाहेंगे उनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये तब जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं भाई हम लास्ट टाइम के लिए इंतजार ना करें, क्योंकि एक बात समझिएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद और एक बार कंपनी इनकी, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि कितना जल्दी हो जाती है कंपनी इनको मिल जाती है पेपर कंडक्ट कराने के लिए, टेंडर निकालते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि 2024 में चुनाव है तो अब ऐसा लग रहा है कि इनके सारे पाप का घड़ा भर गया है, अब ये जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे, निकाल देंगे, कंपनी भी इनको मिल जाएगी, पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा, और पिछले 2022-21 वाला सीन होगा कि बैक टू बैक आपकी फॉर्म आएंगे और बैक टू बैक आपका पेपर होगा, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इस कारण से अपनी तैयारी अभी से शुरुआत कर दो। फिर भी ये आपका स्वैच्छिक, आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो अभी से तैयारी शुरुआत कर दोगे, आप चाहते हो सिलेक्शन नहीं केवल कैजुअली देना चाहते हो तो बाद में स्टार्ट करोगे, वो आप पर डिपेंड करता है, बट मैं दोनों तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाओगे, यहाँ से जुड़ सकते हो, बाकी इसकी जो डिटेल होगी वो मैं आपको दूंगा ही, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही दे कि किसके समकक्ष क्या है। तो इतनी ये सारी चीजें आप इतना दिमाग में रखो, बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से बता दिया जाएगा, इससे संबंधित अन्य जो जानकारी उसकी वीडियो दी जाएगी और जो क्लासेस है उसके बारे में भी और भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, सेशन अगर पसंद है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और आपके जो जरूरतमंद है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके तक लिंक पहुंचा भी दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।